अगर आप एक सीएससी वीएलए हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने सीएससी पोर्टल से इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, टू व्हीलर फोर व्हीलर आप जो भी गाड़ी का इंश्योरेंस करना चाहते हैं इंश्योरेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं। साथ साथ फर्स्ट पार्टी भी आप कर सकते हैं, थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं सीएससी पोर्टल से आप टू व्हीलर बाइक का इंश्योरेंस किस तरह कर सकते हैं। इस वीडियो में स्पेशली टू व्हीलर के बारे में बताने वाला हूँ, टू व्हीलर इंश्योरेंस करके आप दिखाने वाला हूँ, वो भी थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टू व्हीलर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है। टू व्हीलर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यानी कि अगर आप एक गाड़ी ओनर है, आप इधर से गाड़ी लेकर जा रहे, उधर से भी गाड़ी लेकर आ रहे, अगर ये दोनों को एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है, तो अगले इसके अलावा तीसरे पर्सन यानी कि बीच में जो भी आदमी आ जाते हैं, कोई आ जाते हैं, तो अगर उसको एक्सीडेंट, उसको चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के द्वारा वो तीसरा आदमी को मुआवजा मिलेगा। जो फर्स्ट पार्टी यानी कि जो इधर से गाड़ी लेके जा रहा था, उधर से गाड़ी लेकर आ रहा था, ये दोनों को नहीं मिलेगा, बल्कि उस दोनों के एक्सीडेंट में तीसरे आदमी को जो नुकसान होता है उसको वो बेनिफिट मिलेगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से। और दूसरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से आपको ये बेनिफिट है कि आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से पुलिस आपको नहीं रोकेगी। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप आसानी से समझ गए कि यानी कि दो एक्सीडेंट होने भी तीसरा आदमी को जो नुकसान होता है, तीसरे आदमी को उसका बेनिफिट मिलेगा और उस इंश्योरेंस से पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी। तो चलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं टू व्हीलर का। तो उसके लिए आपको आना होगा सीएससी पोर्टल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सीएससी पोर्टल लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इंश्योरेंस सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंश्योरेंस सर्विस भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मोटर इंश्योरेंस, यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ इंश्योरेंस सर्विस में क्लिक हेयर का ऑप्शन है, क्लिक हेयर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपका भी इंश्योरेंस एग्जाम क्लियर है, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस का सर्विस एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उसका मैं वीडियो बना चुका, आप देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, इंश्योरेंस करने के लिए यहाँ पे सर्च आइकन, यहाँ पर भी आपको एक सर्च आइकन मिलेगा और ऊपर में भी सर्च आइकन मिलेगा। इस ऊपर वाले सर्च आइकन में आपको लिखना होगा CHOLA, ठीक है, चोला, चोला लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा मोटर। इस पर क्लिक करके मैं आज की इस वीडियो में चोला इंश्योरेंस से इंश्योरेंस करके आपको थर्ड पार्टी का दिखाने वाला हूँ। उसके लिए लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप सीएससी से लॉगिन हो जाएंगे, अपने सीएससी यूजर नेम पासवर्ड और इसके कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे, साइन इन करके अपने सीएससी पोर्टल के माध्यम से चोला इंश्योरेंस के में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप मोटर का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कर सकते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर का इंश्योरेंस करना है तो यहाँ पे ऊपर सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे आपको मोटर वाले ऑप्शन भी क्लिक करना है। जैसे आप मोटर वाले ऑप्शन में क्लिक करें, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट कार है, PCC B-6 है, यानी कि जो गाड़ी छः चक्का तक है उसको ये वाले सेलेक्ट करेंगे, जिस गाड़ी में 6 चक्के से ज्यादा चक्के उसके लिए ये इंश्योरेंस करेंगे, ठीक है, वो तो अलग होगी, लेकिन उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में टू व्हीलर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं टू व्हीलर यानी कि बाइक जिसमें टू चक्का यानी कि टू व्हीलर उसको बोला जाता है, जिसमें 2 चक्के रहते हैं उसको टू व्हीलर बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे टू व्हीलर क्लिक करने को कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि अगर फर्स्ट पार्टी करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपको थर्ड पार्टी करना है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्टी के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट पार्टी में जितनी भी आपकी गाड़ी की वैल्यू होती है, अगर आपका गाड़ी कभी चोरी हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उतनी आपको मुआवजा देती है जितनी आपकी गाड़ी की वैल्यू रहती है। वो भी आपको इंश्योरेंस करते वक्त ही दिखा देगी कि आपकी गाड़ी का इतना वैल्यू है अभी, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तो मैं आपको बता चुका हूँ, थर्ड पार्टी यानी कि आप दो के एक्सीडेंट में कोई तीसरा को नुकसान होती है तो उसका सहायता उस तीसरे पर्सन को मिलेगी और साथ साथ पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी। तो ये थर्ड पार्टी करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे एक ऑफिस सेलेक्ट करना होगा, जो भी ऑफिस शो कर रहा है आपके आईडी में, वो ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो गाड़ी है वो कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है, जैसे कि बजाज है, टीवीएस है, हुंडा है, हीरो का, यामा का, कौन सी ब्रांड का आपका गाड़ी है, महिंद्रा का है, वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे टीवीएस है तो टीवीएस को सेलेक्ट करेंगे मेरे केस में।
आपके केस में जो भी हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी का नाम देना होगा आपका, आपका जो गाड़ी है वो कौन सा गाड़ी का मॉडल लिखेंगे। जैसे कि मैं टीवीएस में अपाची है तो अपाची का हम ये वाला करेंगे, 4BF5 वाला। इसको यानी कि गाड़ी का जो मॉडल है वो मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना हो, कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी RC पर रहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये आपको हो गया, जब भी आपने गाड़ी निकाला हो यहाँ पे 2018 सेलेक्ट है, और ये जिस भी डेट में आपका गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्टर हुआ है, वो आपके RC पे लिखा होगा, वो डेट आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अगर जो डेट आपके RC पे लिखा वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद वाले डेट जो सेलेक्ट हो रहा है वो डेट को आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेना होगा। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद सिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका जो गाड़ी है वो किस सिटी में रजिस्ट्रेशन हुआ। जैसे कि मेरा गाड़ी जिस भी जिला में, जैसे कि गाड़ी का शुरू का 4 अक्षर देंगे BR, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोड देंगे, तो यहाँ पे आपका जिला आ जाएगा। यानी कि गाड़ी का शुरू का नंबर यानी कि स्टेट कोड के बाद जो कोड होता है वो कोड देंगे। जैसे कि BR 43 मधेपुरा का है, इसी तरह अगर आप देना चाहे तो दे सकते, या अपने शहर का नाम लिखेंगे तो उससे भी आज, जैसे मैं सहरसा लिखा आ गया, ठीक है। तो जो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सिटी है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कह रहा है पिछला जो इंश्योरेंस है उसकी डिटेल फिलअप करने के लिए। यहाँ पे देखिए अगर पिछला इंश्योरेंस क्या हुआ तो उसे फिलअप कर सकते, नहीं तो खाली छोड़ सकते। टू व्हीलर में ये करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर टू व्हीलर इंश्योरेंस कर रहे हैं या इससे पहले इसका इंश्योरेंस नहीं किए तो ये करना जरूरी नहीं है। ये अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, यानी कि पिछला जो इंश्योरेंस वो फर्स्ट पार्टी था या सेकंड पार्टी था, वो इंश्योरेंस एक्सपायरी डेट क्या था, ठीक है। तो ये टू व्हीलर में ये सब भरने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे टिक लगाएंगे नो। नो पे जैसे टिक लगाएंगे वो ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ बताया जा रहा आप जो इंश्योरेंस अभी करेंगे ये इंश्योरेंस एक्टिवेट होगा 3 दिन में, यानी कि 3 दिन में ये इंश्योरेंस आपका एक्टिवेट हो, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका देख सकते हैं इंश्योरेंस थर्ड पार्टी 1 साल के लिए होगा 1791 रुपये। यहाँ पे ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहे तो ऑन ही रखेंगे, अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लेना चाहे तो इसे ऑफ कर लेंगे, ठीक है। ऑफ करने के बाद यहाँ पे अभी जो मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस होगा वो टू व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा, जिसमें कोई पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस अभी होगा ये टू व्हीलर इंश्योरेंस होगा, थर्ड पार्टी होगा। अगर इसके साथ साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेंगे तो इसको आप इनेबल करेंगे। पर्सनल एक्सीडेंट कवर में क्या होता है, जब भी आप गाड़ी के साथ आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, अगर आपकी डेथ हो जाती है या पूरी तरह विकलांग हो जाते हैं, तो कंपनी आपको 15 लाख मुआवजा देने वाली है, ठीक है। तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहे तो ले सकते हैं, या ऑनर के लिए होगा जिसके नाम पे गाड़ी, अगर उसकी एक्सीडेंट होती है तो आपको 15 लाख मुआवजा मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेंगे तो यहाँ पे इतना चार्ज आपको पे करना होगा, अगर नहीं लेंगे तो इसे ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट दिखाती है आपको अमाउंट पे करना होगा, और यहाँ पे 1408 रुपये जो शो कर रहा है, ये 1408 रुपये किस किस चीज़ का है उसके जानने के लिए यहाँ पे प्रीमियम बैकअप है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको बता दिया जाएगा बेसिक TP का 1193 रुपये है, और GST का कितना रुपये, कितना नेट प्रीमियम नेट, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दिखा देती है आपका चार्ज है वो किस किस चीज में कितना चार्ज लिया जाता है, और टोटल आपको कितना पे करना है। उसके बाद यहाँ पे बाय नो कर सकते हैं, ऐसे क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब मुझे यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अगर इस डाटा को सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं, अब सेव नहीं करना मुझे प्रोसीड करना है तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिसका इंश्योरेंस कर रहे हैं यानी कि RC पे जिसका नाम है उसका नाम देंगे, याद रखिएगा RC पे जिसका नाम है उसका फुल नेम देंगे। आधार नंबर देना जरूरी नहीं, खाली छोड़ सकते। उनका मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे। तो ये डिटेल देने के बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ऑनर डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं एडिट पे क्लिक करके इसे भी एडिट कर सकते हैं। अभी हमारा इंश्योरेंस 80% कंप्लीट हो चुका है जो कि आप देख पा रहे। उसके बाद यहाँ पे बाइक की डिटेल देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में बाइक की जो नंबर होती है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में बाइक की जो नंबर होगी वो नंबर आपको यहाँ पे दे देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा बाइक जो आपने लिया है वो कौन से साल लिया वो आप सिलेक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चर किस साल करवाए। उसके बाद बाइक का चेसिस नंबर यहाँ पे और इंजन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइक का चेसिस नंबर इंजन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा।
तो मैं आपको दिखाने के लिए अभी 3 4 नंबर 6 6 नंबर दिया, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद बाइक डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे इसे भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल यानी कि यहाँ पे अपने एड्रेस देना होगा, जो भी आरसी पे एड्रेस होगा वही एड्रेस देना होगा। आरसी पे जिसका नाम होगा एड्रेस होगा उसी के नाम और एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। एरिया पिन कोड देंगे, स्टेट सिटी ले लेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने बोलेगा पोस्ट ऑफिस, वो सिलेक्ट करेंगे, अपना पूरा एड्रेस देंगे जहाँ वो रह रहा है वो एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो यस करके उसको भी फिलअप करना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो उसको नो रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। मैं अभी इंश्योरेंस कर नहीं रहा हूँ, बल्कि अभी मैं डाटा दिखा रहा हूँ आपको किस तरह फिलअप किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 85% हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद टिक मार्क लगा के आप इसे सेव भी कर सकते। सेव करने के बाद ये डिटेल को आप बाद में एडिट कर सकते हैं। अगर आप फाइनलाइज कर देंगे तो इसे आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनलाइज करेंगे तो फाइनलाइज करिए, और फाइनलाइज करने के बाद देख सकते हैं 95% हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या रहा, ये अगर आप फाइनलाइज कर देते हैं तो इसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोसीड पर एडिट नहीं करना, मेरे सारे डिटेल सही है तो एडिट नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना, अगर आपका कोई गलत हो डिटेल तो आप कैंसिल बटन पर क्लिक करें, कैंसिल करें, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा चार्ज अभी भी आपको दिखा रहा है और आपका प्रोफाइल में 95% कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोड प्रपोजल कॉपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक डाउनलोड प्रपोजल कॉपी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। यानी कि आपका जो इंश्योरेंस बनेगा वो किस तरह का इंश्योरेंस बनेगा वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे हम प्रपोजल खाली छोड़ेंगे। उसके बाद पे नो पे क्लिक करेंगे, पे नो करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे आपको CSC का आपका पासवर्ड मांगेगा। तो आपका जो CSC का पासवर्ड, वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। CSC का पासवर्ड एंटर करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे CSC का वॉलेट पिन जो होगा, CSC का वॉलेट पिन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे और आपका अमाउंट रहेगा तो पे अमाउंट पे क्लिक करेंगे, और आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। जो कि आप देख पा रहे, मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है इंश्योरेंस के लिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए। तो अभी यहाँ पे कुछ समय लेगा, 1 सेकंड 10 सेकंड तक समय लेता है, उसके बाद ये रिडायरेक्ट कर देता है। रिडायरेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपका पॉलिसी आपके सामने जनरेट हो चुका है, या पॉलिसी जनरेटेड सक्सेसफुल, ठीक। और यहाँ पे एक कार्ड के तरह पिक भी दिया जाता है, जिस पे आपको ऑनर का नाम, अमाउंट, पॉलिसी नंबर ये सब रहता है, ठीक है। तो ये तो कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए देती है कंपनी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी आपका बन चुका, अपनी पॉलिसी को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पॉलिसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पॉलिसी पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे आपका पॉलिसी PDF में डाउनलोड